बिहार में शराबबंदी का मामला सबसे बड़ा है, जिसे लेकर बिहार सरकार को हमेशा सवालों के घेरे में आना पड़ता है। इन्हीं सवालों से बचने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार के इस फैसले को सुनकर सारे शराबियों की तो रातों की नींदें ही उड़ चुकी हैं। बिहार में शराब पीना और शराब बेचना बड़ा अपराध है। हालांकि शराबबंदी को लेकर ही बिहार सरकार हमेशा नाकाम होती रही है। अब शराबबंदी के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला और लिया है, जिसे सुन शराबियों को तगड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार शराबियों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में आ चुकी है। यही वजह है कि बिहार सरकार शराब पीने वालों और इस काम में लगे हुए लोगों को सरकारी योजनाओं से हटाने की तैयारी में है। दरअसल हमेशा से ही बिहार सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन उसकी नाकामी के चर्चे तो बाहर तक मशहूर हैं। अब इन्हीं सवालों से सरकार ने बचने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए एक ऐलान किया है कि जो लोग शराब पीते हैं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, जिसे लेकर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून 2016 की धारा 65 में ये प्रावधान है कि बिहार सरकार चाहे तो किसी भी धारा के तहत चार्जशीटेड या फिर सजा याफ्ता को कई तरह की सुविधाओं से हटा सकती है। अब इस दिशा में कड़े नियम बनाने पर जोर दिया जा रहा है और उसी को देखते हुए सरकार ने बैठक कर ये कदम उठाने का सोचा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद से बिहार में जो सालों में एक मुद्दा बना रहा है शराबबंदी, उसे बंद कर पाना आसान हो पाएगा। हालांकि कई लोग इस फैसले की सराहना भी कर रहे हैं और कईयों का ये भी मानना है कि इस पहल से शराबबंदी कम हो पाना मुश्किल है। हालांकि जानकारी ये भी है कि कई मंत्रालयों से मिलने वाली जानकारी के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद भले ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जुर्माना देकर छूटने वाले शराबी भी कानून के तहत अब दोषी माने जाएंगे। उन्हें भी सरकारी योजनाओं से अब दूर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, शराबबंदी कानून के तहत जो लोग पहले भी पकड़े जा चुके हैं उनको भी सरकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं अब दूसरी तरफ जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं उनके लिए ये खबर झटके वाली है। अब या तो चुनाव लड़ सकते हैं या फिर चुनाव को दरकिनार कर शराब का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद से शराब पर कितनी रोक लग पाती है ये तो देखने वाली बात होगी। क्या जमीनी स्तर पर शराबबंदी को कम करने में सरकार सफल हो पाएगी और जिन सवालों से सरकार जूझ रही है उनसे किस तरह से छुटकारा मिल पाएगा, या फिर एक बार फिर से सरकार को नाकामी ही देखने को मिलेगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।